यूनियन फॉर पीस के उन्वान पर तीन रोजा इंटरनेशनल यूथ गैदरिंग का तीसरा और आखिरी रोज एहतमाम अलखिदमत फाउंडेशन और दिफाई तंजीमों के तावुन से किया गया। 15 मुमालिक से 60 से जायद जबकि मुल्क भर से सैकड़ों तलबा और तालिबात की शिरकत, मुख्तलिफ जामियात के सरबराहान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सफीर एहसान मुस्तफा का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की दो मुमालिक हैं मगर कौम एक है, मुस्लिम उम्मा अमन पसंद लोग हैं। The challenges, the common challenges we face here and there, you know, in almost all walks of life. So we need to think about common solutions to these common challenges. अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि आज दुनिया को खुराक और कपड़ों से ज्यादा अमन की जरूरत है। अमन का पैगाम हमेशा मुसलमानों ने दिया। आज दुनिया को खुराक से ज्यादा, कपड़ों से ज्यादा उस चीज की जरूरत है जिसका नाम है अमन, और अमन का पैगाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ है। तकरीब में मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतहिद होने का अज़्म किया गया। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सादिया सरवर, लाहौर न्यूज़।